आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। IPL 11 की शुरुआत होने से पहले ही बड़े धमाके गूंजने लगे हैं। एक धमाका तो इतना जोरदार था कि बड़े बड़े सितारा खिलाड़ी सस्ते में निपट गए। इनमें से कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जो IPL के इतिहास में सबसे महंगे बिके थे, लेकिन जब IPL 11 प्लेयर ऑक्शन की शुरुआत हुई तो यह खिलाड़ी अपने बेस प्राइस से ही आगे नहीं बढ़ पाए। कुछ प्रमुख नाम युवराज सिंह, हरभजन सिंह और गौतम गंभीर के रूप में सामने हैं। पहले तो इन्हें इनकी टीमों ने रिटेन नहीं किया। जब तीनों ने अपना बेस प्राइस 2 करोड़ घोषित किया तो ऑक्शन में भी यहां 2 करोड़ रुपए में बिके। हालांकि गौतम गंभीर तो पहले ही साफ कर चुके थे कि वे कोलकाता की तरफ से करियर आगे नहीं बढ़ाना चाहते। ऐसे में उनके लिए एकमात्र सहारा दिल्ली डेयरडेविल्स के रूप में मौजूद था। लेकिन उलट फेर तब सामने आया जब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा में बिकने वाले गंभीर बेस प्राइस में ही उम्मीद मुताबिक दिल्ली डेयरडेविल्स ने खरीद लिए। गंभीर जैसे प्लेयर के लिए 2.80 करोड़ कीमत कई सवाल खड़े कर रही है। एक सवाल उनकी बढ़ती उम्र ने भी खड़ा किया है।